अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने न्यूज़ में ट्रेड की थी तो मैंने सोचा मैं इसके रिकॉर्ड कर लेता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज की जो डेट है वो तकरीबन 2 तारीख है और 2 तारीख को मैंने न्यूज़ देखी कि फॉरेक्स फैक्टर पे एक न्यू गोल्ड में यानी कि USD के पेयर में एक न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा कि न्यूज़ पर रिस्क लेते हैं। अब हुआ ये कि मार्केट इस वक्त चल रही है 2328 पर और यहाँ से मार्केट जा रही है ऊपर और ये ऊपर ही ऊपर जा रही है। हालांकि इसको ऊपर जाना नहीं चाहिए था क्योंकि ट्रेंड लाइन लगी हुई थी, तो मैंने ये सोचा कि अगर इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो ब्रेक करने के बाद ये और अगर न्यूज़ आ गई तो ये उल्टी न्यूज़ आएगी, क्योंकि ये जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो ये स्टॉप लॉस खाने जा रही होती है ऊपर, तो जब ये सारे स्टॉप लॉस ऊपर के खा लेती है उसके बाद फिर ये नीचे के स्टॉप लॉस खाने आती है। तो मैंने भी एक तुक्का समझ लें तुक्के के लेकर मैंने एक रिस्क लिया छोटा सा और एक पेंडिंग ऑर्डर लगाया 0.03 का और उसके बाद फिर मैंने 0.05 का लगाया। अगर ये मेरी ट्रेड से ऊपर निकल जाती तो मेरा 0.05 का ऑर्डर ले और उसके बाद फिर अगर ये नीचे आई तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और मैंने एक और सेल लिमिट लगाई हुई थी 0.15 की, तो ये 3 ट्रेड्स लगाई हुई थी तो मेरी दो एक तो मेरी ये इस वक्त हिट हो चुकी है 0.03 की। ठीक है, अभी ये देखते हैं कि ये कितना ऊपर जाती है। अभी देखें ये प्रॉफिट में आ गई है ट्रेड। और ये देखें ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया मगर ये और ऊपर जा रही है और ऊपर जाने के बाद इसने ये मेरे 0.05 की ट्रेड को भी हिट कर दिया है। और इस वक्त ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं अब अपनी ट्रेड्स को मैनेज करूँगा। $20 चल रहा है प्रॉफिट 30। यहाँ पे अच्छा खासा तो मैंने अपनी कुछ ट्रेड्स जो हैं वो बंद कर दी हैं। दोबारा $43 तो एंड में मैंने अपनी सारी ट्रेड्स को बुक कर लिया और मेरा जो बैलेंस पहुँच गया वो तकरीबन 391 ऑलमोस्ट $400 तक बैलेंस पहुँच गया, तो मैंने अपने अकाउंट को बंद कर दिया। तो इस तरीके से न्यू ट्रेड ले सकते हैं मगर रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को कि अकाउंट वॉच भी कर देती है कभी कभार ये जब न्यूज़ आती है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आती है। तो बैलेंस मेरा कम था तो मैंने ज़्यादा बड़ी लॉट्स नहीं ली, लेकिन ये रिकमेंड नहीं है आप लोगों के लिए। तो मैंने ऐसी रिकॉर्डिंग की थी तो मैंने सोचा चैनल पे डाल दूँ।